हेलो फ्रेंड, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और आप देख रहे हो अपने यूट्यूब चैनल लव मोबाइल को। तो चलिए आपको बताते हैं, हमारे पास एक जो भी फ़ोन है यह है रेडमी 9 पावर, या फिर आप पोको M3 भी बोल सकते हो, क्योंकि दोनों सेम टू सेम ही मॉडल है। और यह फ़ोन है हमारे पास में फ़िलहाल में डेड कंडीशन में। ये किसी शॉपकीपर भाई से आया, उन्होंने कहना है, ये कस्टमर का कहना है कि फ़ोन वाटर डैमेज है, पानी में गिरने के बाद में कुछ दिन चला है, उसके बाद ये फ़ोन डेड हो गया। तो चलिए डायग्नोस करेंगे। मैंने अभी तक चेक नहीं करा है कि इसमें क्या फॉल्ट है, नहीं फॉल्ट है, डायरेक्ट मैं वीडियो इसको बना रहा हूँ। और चलिए देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। तो सबसे पहले अपने मल्टीमीटर को हम सेट करते हैं डायोड मोड में, और डायोड मोड में चेक करेंगे कि इसमें दिक्कत क्या है। डायोड मोड से अगर नहीं पता चला तो फिर हम डीसी रीडिंग से इसकी फॉल्ट को फाइंड करेंगे, क्योंकि सबसे लास्ट ऑप्शन हमारे पास आता है डीसी रीडिंग, जो कि उससे प्रॉपर हमें फॉल्ट का अंदाज़ा होता है कि कहाँ पर हमें काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं बैटरी और बैट आईडी और बैट थर्म का GR। ये ग्राउंड रहा हमारा, और बैटरी की पॉजिटिव पे देख लेते हैं, यहाँ पे 432 यानी कि समथिंग GR ओके हैं। और बैट आईडी पे चेक कर लेते हैं, इस पर भी GR ओके है। एक बार बैट थर्म पे चेक कर लेंगे, इसका भी GR ओके है। ठीक है, अब एक बार प्रॉड को उल्टा कर लेना, माइनस को ग्राउंड पे रखना है और प्लस को बैटरी कनेक्टर के टिप्स पे रखना है। तो यहाँ भी समथिंग VWatt पे हमने चेक करा तो समथिंग जो GR आना चाहिए नॉर्मली वो GR ठीक है। अब हम चेक करेंगे बैटरी इसका कितना चार्ज है, बैटरी से ही कुछ अंदाज़ा मिल जाएगा कि फ़ोन में इशू कहाँ पे है। तो बैटरी फुल्ली डिस्चार्ज है, मतलब बैटरी ज़रा भी चार्ज नहीं है। तो ये दो ही कंडीशन में हो सकता है, या तो फ़ोन में शॉर्टिंग हो या तो फिर बैटरी डैमेज हो, क्योंकि पूरा डीप डिस्चार्ज होना यानी कि फ़ोन में ज़रूर शॉर्टिंग कहीं ना कहीं है। चलिए अंदाज़ा से काम नहीं करने वाले, कंफर्म चेक करते हैं फॉल्ट कहाँ से। ठीक है, तो DC पावर सप्लाई में इसे कनेक्ट करते हैं। ओ तो ये देख सकते हो कि डायरेक्ट ऑटो एम्पियर कंजप्ट कर रहा है, देख रहे हो आप, वो भी कोई नॉर्मल एम्पियर नहीं ले रहा है, ये 3 एम्पियर, यानी कि कहीं ना कहीं फ़ोन में फुल शॉर्टिंग है। और ये VWatt वाली लाइन में तो शॉर्टिंग नहीं है, अगर VWatt वाली लाइन में शॉर्टिंग रहता तो मल्टीमीटर से GR भी ये शॉर्टिंग का बताता है। ये लाइन कहीं ना कहीं हमारा BPH लाइन में शॉर्टिंग है, तो चेक करते हैं ये कौन सा लाइन में शॉर्ट है। और ये बैटरी कनेक्टर की लाइन, ये जो शॉर्टिंग है कहाँ पर शॉर्टिंग है पूरा क्लियर करेंगे हम आज। एक बार फिर से आपको DC पावर सप्लाई से कनेक्ट करके दिखा दूं, तो ये देख सकते हो कि ये पूरा फुल एम्पियर ले रहा है। देखता हूँ हीट कहीं ना कहीं पे बहुत हो रहा होगा, आप देख सकते हो ये जो इसका DC to DC IC है PMI 632 है, बहुत ही ओवर हीटेड हो रहा है। तो ये ओवर हीट होने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि IC ही शॉर्ट हो इसके कारण ये हीट हो रहा हो, IC से निकलने वाली जो आगे की लाइन है अगर वो भी कहीं पर शॉर्ट होगी तो ये IC हीट होगा। तो चेक करेंगे कि कौन सा हमारा कंपोनेंट हीट हो रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले रोजन लगाएंगे, और उसके पहले यहाँ पे नोटिस करते हैं कि कौन सा कंपोनेंट और यहाँ पे हमें शॉर्ट मिल रहा है। यहाँ पे हीट होने का मतलब है, जाहिर सी बात है कि अगल बगल में कोई ना कोई कैपेसिटर शॉर्ट होंगे। और सबसे पहले जो हमारा BPH कॉइल के बगल में जो दो कैपेसिटर, आप देखना मल्टीमीटर में कहाँ पर टच करो, ये दोनों को ज़रूर चेक करना है इस कंडीशन में। तो देख सकते हो कि ये कैपेसिटर शॉर्ट आ रहा है हमारा। ठीक है, और जो ये कैपेसिटर जो कनेक्टेड है ना अपने ये बगल में, जो आपको BPH कॉइल दिख रहा है, ये BPH कॉइल के साथ में कनेक्टेड है, BPH कॉइल के प्लस वाले लाइन के साथ में ये कनेक्ट है। यहाँ पे मैं रोजी लगाऊंगा और यहाँ पे मैं वोल्टेज अप्लाई करूँगा क्योंकि ये BPH का हमारा लाइन है, तो यहाँ पर BPH हम 3.7 वोल्टेज अप्लाई करेंगे और देखते हैं कि यहाँ पर कुछ हीट होता है या नहीं होता है। ये साइड कोई हीटिंग नहीं, ये दोनों साइड में दिया कोई भी यहाँ पे हीटिंग नहीं हो रहा है। तो एक बार क्या करेंगे, हम डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे, क्योंकि वहाँ देने के बाद में एम्पियर कंजप्शन बहुत ओवर हो रहा था। ठीक है, सीधा हम क्या करते हैं, अभी वोल्टेज जो अभी मैं अप्लाई करने वाला हूँ सीधा बैटरी कनेक्टर पर अप्लाई करूँगा। ये अप्लाई करा, देखते हैं कहाँ पर हीट होता है। DC को मैं ऑन कर रहा हूँ यहाँ से, ये देख सकते हो DC to DC IC का ये कॉर्नर से ओवर हीटिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट DC to DC हीट होने का मतलब ये नहीं है कि हमारा DC to DC IC शॉर्ट है। बहुत जो भी हमारे मैकेनिक भाई लोग देख रहे हैं जो इस फील्ड में नए हैं, वो यही काम करते हैं कि सीधा ये DC to DC शॉर्ट बताया, सीधे इसे निकाल देते, तो आपको इसे निकालना नहीं है डायरेक्ट से। ठीक है, सबसे पहले आपको इस BPH कॉइल को निकालना है ताकि पता चले कि शॉर्टिंग IC के अंदर में है या फिर कहीं और आगे वाली लाइन में, क्योंकि जब तक ये BPH कॉइल हमारा लगा है ये
लाइन सारा एक हो गया, ठीक है। जब ये VPH कॉइल को जब हम निकालेंगे तो ये लाइन जो हमारा है ना दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक पार्ट हमारा DC to DC के पास रह जाएगा और दूसरा पार्ट जो है जितने भी सेक्शन में VPH वोल्टेज आ रहे हैं वो बिल्कुल से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉइल निकालने के बाद में अब हम चेक करेंगे कि जो हमारा कौन सा साइड में शॉर्टिंग है, ठीक है, मस्ट भी ये आपको चेक करना होता है। तो ये साइड देख रहा हूँ, तो ये साइड 380, ये GR ओके है, और ये साइड आप देख सकते हो कि शॉर्ट है, ये वाला लाइन शॉर्ट है हमारा, ठीक है, ये साइड वाला, जो कि ये साइड मेरे एक्सपीरियंस के तौर पे ये यहाँ से निकलता है आगे की ओर, ये वोल्टेज बहुत जगह आगे जाता है। तो एक बार बोर्नियो खोलते हैं और बोर्नियो में हम चेक करेंगे इसे स्टेप बाई स्टेप। और जो भाई हमारे चैनल पर नया है ना, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। और आते आते थोड़ा सा मैं वीडियो क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट करूँगा, क्योंकि थोड़ा सा जो हमारा मल्टीमीटर है बस ये डिजिटल वाला आता है, तो फुल स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आपके लिए मैं अवेलेबल कर दूँगा नेक्स्ट वीडियो से। बस थोड़ा मल्टीमीटर डिजिटल वाला भी नहीं है, इसके कारण से इस तरीके से मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हमने Redmi 9 Power का बिट मैप ओपन किया है, क्योंकि शॉर्टिंग निकालने में बिट मैप हमारा बहुत हेल्प करता है। तो बिट मैप ओपन होने के बाद में ये बोर्नियो का बहुत बड़ा लोचा है, अगेन फिर से खोलेंगे। ये 9 Power का बिट मैप खुल चुका है, और जूम करेंगे DC to DC IC के पास में जाएंगे, और जो हमारा कॉइल शॉर्ट था ना, एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ, जो ये बार हमारा कॉइल शॉर्ट था ये साइड में, ठीक है, ये वाला ओके था, ये साइड वाला शॉर्टिंग था, ठीक है। तो ये साइड वाला लाइन हम चेक करेंगे बिट मैप में कि ये लाइन कहाँ कहाँ जा रहा है। तो आप देख सकते हो ऊपर वाला लाइन इसका ओके था, लेकिन नीचे वाला लाइन देख सकते हो जो शॉर्ट है हमारा, ये कितने APT मॉड्यूलेटर के पास में भी जा रहा है, ये अपना 2G PFO के पास में भी जा रहा है, इधर पावर IC के पास में, यानी बहुत जगह ये लाइन जा रहा है, ठीक है। तो अब हमें चेक करना होगा कि आखिरकार शॉर्टिंग कहाँ पे है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अभी VPH कॉइल को निकाल दिया है, और अभी हम जो चेक करने वाले हैं कि ये लाइन आखिरकार शॉर्टिंग है कहाँ पे। तो ये चीज़ चेक करने के लिए सबसे पहले आपको हाथ रख के जब वोल्टेज अप्लाई करोगे ना, तो हमें जो फील हो रहा था ना, ये नेटवर्क सेक्शन में फील हो रहा था कि यहाँ पे भी मदरबोर्ड हमारा हल्का हल्का हीटिंग हो रहा है। ये आपको मदरबोर्ड को अच्छे से पकड़ के देखना होगा वोल्टेज अप्लाई करके कि कहाँ पे हमारा, मतलब अभी तो DC to DC शॉर्ट गर्म हो ही रहा है और कहाँ पर गर्म हो रहा है। तो मैंने जैसा फील करा कि नेटवर्क सेक्शन में ये हीट हो रहा था, और सही में शक नहीं मतलब एक्सपीरियंस सही काम आया। यहाँ पे देख सकते हो 2G PFO के पास और 4G PFO के पास में काफ़ी वाटर डैमेजेस है, और मैं यहाँ पे भी चेक करूँगा कि आखिरकार इतना डैमेजेस है तो शॉर्टिंग कहाँ पे है। ज़रूरी तो नहीं कि हर जगह पे ही शॉर्टिंग हो, 4G PFO भी और 2G PFO भी, लेकिन देखना पड़ेगा शॉर्टिंग है कहाँ पर। तो सबसे पहले तो मदरबोर्ड को अच्छे तरीके से क्लीन करना है, और उसके बाद ही काम करना है, ताकि हमें काम करने में अच्छा लगे। और अभी तक जिन भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा ना, वो वीडियो देखते देखते नीचे में जो आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब होता है, ठीक है। तो आप करिए ना, क्यों नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। और जो भी वीडियो लाता हूँ आपको पता ही है, मैं क्लियर लाता हूँ, कुछ भी हिडन नहीं करता, और जितना हो सके आपको मैं कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपकी बहुत सारी हेल्प हो और आप इस रिपेयरिंग फील्ड में थोड़ा आगे निकल सके। थोड़ा क्या, बहुत आगे आप निकल सकते हो, आप हमसे बस जुड़े रहें। आपके लिए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आप दोनों वीडियो मैं कंटिन्यू इस चैनल पर लेके आऊँगा। और एक मेरा बैकअप यूट्यूब अकाउंट है, जो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये चैनल कुछ दिन पहले हैक हो गया था, तो कैसे कैसे करके मैंने रिकवर करवाया यूट्यूब टीम से। तो बैकअप के लिए मैंने एक चैनल बना के रखा, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि VPH कॉइल के पास में कैपेसिटर शॉर्ट मिला, और आप बोल चुके कि यहाँ पे मैं वोल्टेज कितना अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हमारा VPH लाइन ही है, तो हम यहाँ पे 3.7 वोल्ट अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये VPH लाइन है, तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ 3.7 वोल्ट। अब चलिए चेक करते हैं जो हमारा लाइन शॉर्ट था, तो ये देखिए यहाँ पर शॉर्टिंग तो अभी भी है, यहाँ पर GR देख सकते हो 30 है, जो कि मतलब पहले फुल शॉर्ट था, अभी फुल शॉर्ट नहीं है, लेकिन GR अभी भी जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है। तो क्या होता है इस कंडीशन में कि कोई कैपेसिटर क्या है कि शॉर्ट तो हो जाता है लेकिन वो हीट नहीं करता,
हम वोल्टेज अप्लाई भी करते हैं तो वो हीटिंग नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर लीकेज है, वो शॉर्टिंग फुल शॉर्टिंग नहीं है, हाफ़ शॉर्टिंग है उसके अंदर में। तो कई बार ऐसे कैपेसिटर्स मतलब आपको हीट नहीं होगे, तो आपको आई डायग्नोस करना होगा और देखना पड़ेगा किस कैपेसिटर की हेल्थ बिल्कुल ख़राब हो चुकी है वाटर डैमेज के जाने के वाटर डैमेज होने के कारण में, और उसे आपको खुद से निकालना होगा डायरेक्ट। तो देख सकते हो अभी भी मतलब उस लाइन में शॉर्टिंग तो है, बट मैं वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ 3.7 वोल्ट, बट कहीं भी कोई लीकेज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, थोड़ा सा यहाँ पे पीछे साइड भी देख लेता हूँ, एपीडीमोलीटर वाइज क्लीन है, कोई वाटर डैमेज नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल ही यहाँ पे ओके है। ये वाला लाइन भी बीपीएच के लाइन साथ कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे भी लो जीआर आ रहा है। इधर कुछ काम नहीं करना, इधर एक बार फोकस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो 4GPO4 के पास में जो एक कैपेसिटर था पूरा सड़ा हुआ था, हमने इसे भी निकाल दिया, अभी भी शॉर्टिंग है। अभी देखेंगे थोड़ा और, ये भी लीकेज था पूरा। 2GPO4 के पास में 2-3 कैपेसिटर्स है जो पूरा सड़ा हुआ है, इसे भी मैं निकालूंगा, पूरा का पूरा सड़ा हुआ है ये। अब देखिए GR यहाँ पर शायद सही हो चुका है, ये देखिए GR यहाँ पर 90 आ रहा था, अब सही होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको दिखाता हूँ थोड़ा क्लीन करके, पीछे में शॉर्टिंग था, यहाँ पर भी GR चेक करता हूँ, यहाँ पर भी GR सही हो गया, ठीक है। अभी मैं आपको चेक करवाऊंगा ये BPH कॉइल के पास में, यहाँ पे भी शॉर्टिंग है, क्योंकि ये सारी लाइन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक ही लाइन में सारा वोल्टेज आ रहा है। तो आपको दिखाता हूँ वहाँ कहाँ पे मैंने दो सारे कैपेसिटर्स निकाले, तब ये जाके सही हुआ है। तो 2GPO4 के पास में जो कैपेसिटर शॉर्ट था, उसके बगल में दो छोटे छोटे कैप्स थे, वो दोनों कैपेसिटर को निकाला, उसके बाद में ये शॉर्टिंग चला गया, क्योंकि वो दोनों वो भी पूरा वाटर डैमेज से लीकेज ही था। नीचे साइड में बिल्कुल ओके कर दिया, इधर भी समथिंग समथिंग ओके है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा दो छोटे छोटे कैपेसिटर से, हमने उसको भी निकाला, एक यहाँ पे डायोड के पास में था, तो इतने सारे छोटे छोटे कैपेसिटर निकाले, क्योंकि यही सब वाटर लीकेज था, पूरा डैमेज था, इसके कारण से सबको निकाला, क्योंकि वाटर ये सब हाफ शॉर्टिंग के कारण ये हीट नहीं करते हैं। आप यहाँ पे BPH कॉइल एक नया लगाएंगे और उसके बाद में फ़ोन को ऑन करके देखेंगे कि ये ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं BPH कॉइल लगा लेता हूँ, और जिन भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा ना, वो सब्सक्राइब कर ले अभी तक, क्योंकि हमारे व्यूअर्स के अकॉर्डिंग सब्सक्राइबर बहुत कम है, देखते तो बहुत लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते। बताइए वीडियो में क्या गलती रहता है, उस चीज़ को सुधार करूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो से। और यहाँ पे हमने क्लीन कर दिया है, और अब मैं चेक करूँगा ये फ़ोन ऑन हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि मैं वीडियो ज़रा भी अनकट कहीं पे नहीं कर रहा है, जो भी है सब आपके साथ लाइव दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे ऑन करूँगा DC पावर सप्लाई से, क्योंकि इसकी बैटरी डाउन है। तो आप देख सकते हो कि फ़ोन हमारा सक्सेसफुली ऑन हो चुका है, और पूरा ऑन होने का थोड़ा सा हम वेट करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, इससे आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो मैं आपके लिए बनाऊंगा, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपके टॉपिक पे बनाने की कोशिश करूंगा।